तो हेलो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हो सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी का कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना और साथ ही यहाँ पे अपनी फोटो को चेंज करना और नाम और मोबाइल नंबर को चेंज करना, तो कैसे करना है और कैसे क्या प्रोसेस है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के आप बड़ी ही आसानी से ये सब कर सकते हो। तो चलो कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए एक अप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सेल है। तो प्ले स्टोर में चले आना और प्ले स्टोर आते ही आपको सर्च कर लेना है पिक्सेल है। तो जैसे ही पिक्सेल आपको सर्च करोगे तो उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो यहाँ ओपन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे शो होगा। तो थोड़ा वेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है तो न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तो डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके इसे ओके बटन पे क्लिक कर देना है, तो इसे न्यू टेक्स्ट आसानी तरीके से डिलीट हो जाएगा। उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो थोड़ा आगे कुछ बढ़ाना है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे गैलरी ओपन हो रहा है तो मैं यहाँ से बताता हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी कुछ इस तरह के पोस्टर को बना पाओगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बैकग्राउंड, जैसे कि आप कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए कुछ इस तरह का बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगा। तो आपको इस ये बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा तो मैं वीडियो में बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको कुछ इस तरह के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आपको सही वाले बटन पर क्लिक कर देना। कुछ इस तरह के बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं उस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर रखा हूँ तो अपने क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस पर पहुँच जाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं उस लिंक को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के लिंक पे आपको शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। तो आपको इसे क्लिक करके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं उस बैकग्राउंड को डाउनलोड पहले से कर रखा हूँ तो यहाँ से डाउनलोड नहीं करता हूँ। और आपको वीडियो में एक जगह पे पासपोर्ट मिलेगा, उस पासपोर्ट को आपको टाइप करोगे तभी आपका फाइल अनजिप होगा, तभी कुछ इस तरह के बैकग्राउंड आपके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्सेल में यहाँ पे कुछ इस तरह से ले आना है और लाने के बाद अपनी फोटो को लगाना है। तो आपको पासवर्ड कहाँ मिलेगा मैं वीडियो के बता दूंगा कि कहाँ पे पासवर्ड है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहना और यहाँ पे अपनी फोटो को लगाना चाहते हो तो फोटो लगाने के लिए आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फॉर्म गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से गैलरी ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी फिर से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस भी फोटो को आपको लगाना चाहते हो। तो जैसे कि मैं किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे कि उस फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह के फोटो को हमें बनाना है, तो कुछ इस तरह के फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका सही वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह के फोटो को लगाना चाहता हूँ सरस्वती पूजा पे, तो यहाँ पे मैं अपनी फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। आप वीडियो को अच्छा से देखते रहे तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर पाओगे और तभी कुछ इस तरह के यहाँ पे पोस्टर को बना पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से फोटो को एडजस्ट कर देना है, तो यहाँ से छोटा कर देना है पोस्टर को, फोटो को, और यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो आप अच्छा तरह से कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फोटो को एडजस्ट कर देना, उसके बाद आप यहाँ पे नाम को लिखना चाहते हो और यहाँ पे मोबाइल नंबर को और यहाँ पे नाम को लिखना चाहते हो तो आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है। टेक्स्ट को जैसे ही लोगे तो आपको टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डबल टैप कर देना है। जैसे ही डबल टैप करोगे तो आपकी टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हूँ, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे चाहते हो हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी आसानी तरीका से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद आपको इसे कलर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से कलर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही कलर पे क्लिक करोगे तो आपको जौन सा भी कलर को रखना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से व्हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सही वाले बटन पे क्लिक कर देना है और इसे फॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ से इस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्टॉक वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कुछ इस ब्लैक स्टॉक को ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक स्टॉक को आ चुका है, उसका सही वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे 3D देखने को मिला है, तो इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके कुछ इस तरह से कर लेना है, उसका जिसे छोटा कर देना है, 2 पर कर देना है, जिससे कि आपका ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको सही वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैं साइज को बड़ा कर देता हूँ, तो आप वीडियो को अच्छा से देखते रहे तभी कुछ इस तरह के पोस्टर को यहाँ पे कुछ इस तरह के डिजाइन को बना सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे आपको कैपिटल में लिख देना है। और यहाँ पे अपनी नाम को लिखना चाहते हो तो फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है या आप इसे ही कॉपी कर ले। तो जैसे कि इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने का कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे डबल टैप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे डबल टैप करके आपको यहाँ पे अपना नाम को लिख लेना है। तो यहाँ पे अपना नाम को लिख लेना है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम को लिख दे रहा हूँ।
जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया हूँ, तो यहाँ इसके ओके बटन पर क्लिक कर देना और कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसे आप बड़ा छोटा या बड़ी इसलिए यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से पोस्टर बना लिए होंगे और आपको स्क्रीन पर शो होता होगा पासपोर्ट, उस पासपोर्ट से आप PLV फाइल को वहाँ पे इस पासपोर्ट से आप बहुत ही आसानी तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव शेयर वाले बटन इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो सेव एज इमेज पर क्लिक करके आपको इस तरह से यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पर अल्ट्रा कर लेना है, और अल्ट्रा जैसे ही करोगे तो उसका सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे सेव टू गैलरी पर क्लिक करोगे तो आपका पोस्टर कुछ इस तरह से सेव गैलरी में होगा, और गैलरी में सेव होने के बाद आप बड़ी आसानी तरीके से कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना सीख लियोगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे आप सबको पोस्टर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और मिलता रहा, पासपोर्ट भी देखने को मिल गया हुआ। तो न्यू वीडियो में मिलते, जय हिंद, वंदे मातरम।